नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 जुलाई रविवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 11 बड़ी खबरें। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार को लेकर देर रात मुख्यमंत्री आवास पर चली हाई लेवल मीटिंग में सीएम ने पूर्व की भांति निर्णय का अधिकार आलाकमान सोनिया गांधी पर छोड़ दिया है। माना जा रहा है कि अशोक गहलोत की सहमति के बाद अब सोनिया गांधी की ओर से इस संबंध में जल्द फैसला ले लिया जाएगा और जुलाई में ही मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल की पूरी संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। ये इस रेडियो प्रोग्राम का 79वां एपिसोड था। मोदी ने रविवार को ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों को चीयर करने की बात कही तो कारगिल के शहीदों को भी याद किया। उन्होंने आज़ादी के 75 साल पूरा होने पर नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट का नारा भी दिया। साथ ही कहा कि गांधी के भारत छोड़ो अभियान की तर्ज पर देश के लोग भारत छोड़ो अभियान चलाएं। राजस्थान में जयपुर सहित 22 जिलों के 48 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए आज उपचुनाव हो रहा है। इन 48 ग्राम पंचायतों में कुल 130 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। रविवार सुबह 7:30 बजे से मतदाताओं ने मतगणना स्थलों पर वोट डालना शुरू किया। आज शाम 5:30 बजे मतदान समाप्त होगा। इसके तुरंत बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इसके लिए पुलिस और अतिरिक्त फोर्स लगा रखी थी। जिले के कलेक्टर व एसपी सहित सभी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी सुबह से ही मतगणना स्थलों का जायजा ले रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव चित्रा गुप्ता ने बताया कि कुल 48 ग्राम पंचायतों में से 8 ग्राम पंचायतों में कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया, जबकि 6 ग्राम पंचायतों के लिए उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। इस तरह शेष 34 ग्राम पंचायतों में 130 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच शिल्पा शेट्टी के बिजनेसमैन पति के कई राज फाश करने में लगी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पुलिस को राज के अंधेरी वाले ऑफिस में एक मिस्ट्री वॉल और उसमें छिपाई गई अलमारी का पता चला है। इसके बाद शनिवार को नए सिरे से इस ऑफिस की तलाशी ली गई। क्राइम ब्रांच को अलमारी में कुछ बॉक्स और कई फाइलें मिली हैं जिनमें क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी जानकारियाँ हैं। कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद जयपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन में सुधार देखने को मिल रहा है। जून की तुलना में इस महीने जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स बढ़ी हैं और हवाई यात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक महीने में ही जयपुर एयरपोर्ट से यात्रियों की संख्या डबल हो गई है। वहीं फ्लाइट्स रद्द होने की बात करें तो सबसे ज़्यादा गो फर्स्ट की फ्लाइट्स की जा रही हैं। जून के महीने की बात करें तो 335 कुल फ्लाइट्स रद्द हुई थी, जिसमें अकेले 160 गो फर्स्ट की फ्लाइट्स शामिल थी। भाजपा प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर कहा कि प्रदेश में योजना की हकीकत देखी जाए तो निजी अस्पतालों में इसका कोई लाभ आमजन को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 3 लाख रुपयों तक का निःशुल्क इलाज अस्पतालों में आमजन को मिल रहा था, जिससे लोगों को राहत मिल रही थी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने भामाशाह योजना को बंद कर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत की। अब चिरंजीवी योजना के तहत ऊँट के मुँह में जीरे के समान लोगों को लाभ मिल रहा है। उदयपुर में शनिवार की रात से रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रविवार की दोपहर तक अनवरत जारी रहा। बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। रविवार को अवकाश के चलते शहर के आसपास के पानी वाले स्थानों पर लोग गाड़ियां लेकर पहुंचे। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हुई है। गांव में छोटी पुलियों पर पानी बहने से और अंडरपास के नीचे पानी भरने से रास्ते बंद हो गए हैं। सेंट्रल जीएसटी विभाग ने 6 माह बाद एक बार फिर जीएसटी चोरी के बड़े मामले से पर्दा उठाया है। पंजाब के व्यापारी की ओर से जोधपुर के बाद उदयपुर में कारोबार करते हुए जीएसटी चोरी करना सामने आया है। व्यापारी से शनिवार रात तक गहन पूछताछ चलती रही। रविवार को व्यापारी की गिरफ्तारी की। सेंट्रल जीएसटी विभाग की ओर से पकड़े गए मामले में सामने आया कि पंजाब का व्यापारी कबाड़ संबंधी व्यवसाय में नियमानुसार जीएसटी जमा नहीं कराकर सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगा चुका है। जनवरी से जुलाई तक 7 माह के दरमियान व्यापारी ने करीब 1000 ट्रकें कबाड़ से भरकर उदयपुर से पंजाब तक पहुंचा दी, लेकिन उसको कहीं कागजों में दर्ज नहीं होने दिया। नियमानुसार एक ट्रक पर 1 लाख की जीएसटी लगती है। पाया गया कि उदयपुर से प्रतिदिन 10 ट्रकें निकल रही थी। जनवरी से अब तक करीब 900 ट्रकें निकाली गई, जिससे करीब 7-8 करोड़ की जीएसटी चोरी उदयपुर से की गई। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए मिशन निर्यातक बनो शुरू किया है। इस मिशन के तहत सरकार प्रदेश में नए निर्यातक बनाने से लेकर निर्यातकों को पहली बार निर्यात कराने तक का कार्य कराएगी।
उद्योग आयुक्त के अनुसार उद्योग विभाग और रिको की ओर से संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाएगा। मिशन निर्यातक बनो कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधकों व रिको इकाई प्रमुखों का 27 जुलाई मंगलवार को ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा, जिसमें इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जानकारी दी जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से सोने के गहनों की शुद्धता व पारदर्शिता के लिए लागू किया गया हॉल मार्किंग कानून ज्वेलर्स के लिए परेशानी बनता जा रहा है। हॉल मार्किंग सिस्टम लागू होने के बाद अब भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रदेश सहित जोधपुर के सभी हॉल मार्किंग ज्वेलर्स को नोटिस भेजकर 31 जुलाई तक पुराने सिस्टम के हॉल मार्किंग वाले गहनों का ब्यौरा मांगा है। पूरे प्रदेश में जारी हुए नोटिस के दायरे में हजारों ज्वेलर्स आ गए हैं, साथ ही ब्यौरा नहीं देने की स्थिति में उनकी ज्वेलरी जब्त करने के नोटिस दिए जा रहे हैं। मॉनसून सीजन में एकाएक बिजली फॉल्ट की शिकायतें बढ़ गई है। इधर डिस्कॉम का कॉल सेंटर बीमार हो गया है, वहां कॉल नहीं लगता, ऐसे में उपभोक्ता खासे परेशान हैं। पाली में 5 लाख उपभोक्ताओं की इस समस्या को देखते हुए 5 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इन नंबरों पर कॉल कर उपभोक्ता अपनी बिजली शिकायत दर्ज करवा सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBD न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।